गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर अशोक कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, SPC गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज हम ऑर्गेनोमेट्रिक केमिस्ट्री है उसके आगे सिंथेसिस ऑफ अल्कोहल जो हमने पहले पढ़ा था उसके बारे में दोबारा देखते हैं एक बार, फिर हम इसके आगे की रिएक्शंस कंटिन्यू करेंगे जो कि हमारा ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड का पार्ट है। ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड्स में जब एक ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड RMGX अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड है, ये अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड दो ऑक्सीजन से तो ROOMGX, ये MGX जब एक अनादर मॉलिक्यूल RMGX से मिलता है तो ROMGX, यानी दोनों दो मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं ROMGX के, और जब इसको हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये क्या बनाता है, अल्कोहल OH, ये H इसका ले लेता है यहाँ पे और ये बना देता है अल्कोहल। तो इस तरह से ये प्राइमरी अल्कोहल यानी जिस कार्बन पे सिर्फ एक OH अटैच हो। अब दूसरा है ये फॉर्मल्डिहाइड के साथ, हमने फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन देखी थी, ये फॉर्मल्डिहाइड में देखा था कि जैसे इस फॉर्मल्डिहाइड में ऑक्सीजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये पोलर है RMGX, आर यहाँ चला गया तो RC न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। जो कार्बोनाइल कंपाउंड से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं, जब ये जुड़ जाएगा इससे, देखिए R कार्बन से जुड़ गया और CHHOMGX, तो ये जो इस कंपाउंड को जब हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो यहाँ हाइड्रोलिसिस करके हम यहाँ लिख सकते हैं इसको, हाइड्रोलिसिस करके हम लिख सकते हैं इसको कि यहाँ HOH, तो इस तरह से हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, ये OH आएगा, तो इस तरह से हमारा ये बन गया अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। इस तरह से अगर हमारे पास साइक्लो कंपाउंड है तो साइक्लोहेक्साइन क्लोराइड है, तो इसमें RMGX मैग्नीशियम ईथर करते हैं तो MGX, R की जगह फिनाइल आ गया ये ग्रुप, RMGX, तो R की जगह AR कर दें क्योंकि फिनाइल ग्रुप है इसके अंदर, फिनाइल साइक्लो ग्रुप भी बोलते थे, साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। तो जब ये फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्ट करेगा तो फॉर्मल्डिहाइड CH2 प्राइमरी साइक्लोहेक्साइल मीथेनॉल जो कि प्राइमरी अल्कोहल, ये हमारा प्राप्त होगा। इसी तरह से इसको अगर चाहें तो हम इथिलीन ऑक्साइड से कर सकते हैं जो हमने पिछली बार पढ़ा था, इसे हम अगर इसके इसे नंबर बढ़ाने का नंबर कहते हैं कि हम जैसे इस चेन के अंदर अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स करें तो हमने इथिलीन ऑक्साइड से, ये ऑक्साइड है हमारा इथिलीन ऑक्साइड है, इसके अंदर हमने देखिए CH2, तो ये जब इससे अटैच हो जाता है तो ये बन जाता है RCH2CH2OMGX, और यही हाइड्रोलिसिस होता है तो ये हाइड्रोलिसिस होके HOH, तो इस तरह से ये हमारा अल्कोहल बन जाता है। देखिए इथिलीन ऑक्साइड, अब जब ये फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जब ये इथिलीन ऑक्साइड से तो यहाँ से अटैच हो जाएगा ये, और यहाँ से तो ये बन जाएगा RCH2OH और हाइड्रोलिसिस कर देंगे वाटर से तो ये 2-phenyl ethanol बन जाएगा। इसी से अगर ट्राईमिथाइल ऑक्साइड लेंगे तो ये चेन बड़ी हो जाएगी, यानी 3 एक्स्ट्रा इस चेन के अंदर कार्बन डालने हो, इसको चेन को लेंथ बढ़ानी हो तो हम ट्राईइथिलीन ऑक्साइड का यूज़ करेंगे, ट्राईइथिलीन ऑक्साइड, ये 3 कार्बन है, कार्बन इसका यहाँ अटैच हो जाएगा, ये पोलर है इसलिए, और ये OMGX हो जाएगा, OMGX जब हाइड्रोलिसिस, ये OMGX हो जाएगा, OMGX इसको हाइड्रोलिसिस करेंगे HOH से तो ये क्या हो जाएगा, ये अल्कोहल, और ये जो मैग्नीशियम है ये X और OH इसका जुड़ जाएगा। तो ये हो गया हमारा, अगर उसको बढ़ानी हो। अब सेकेंडरी का है, देखिए सेकेंडरी के अंदर क्या होगा, सेकेंडरी का मतलब क्या होता है, सेकेंडरी का मतलब ये होता है कि उस कार्बन पे जिस अल्कोहल पे OH जुड़ा है उस OH पे दो अटैच कार्बन्स हो तो हमारा वो हो जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल। देखिए कैसे सेकेंडरी, ये फॉर्मल्डिहाइड के अलावा 2 डिग्री होगा, जैसे इथेनल फॉर्मल एसिटाइल्डिहाइड ले सकते हैं, देखिए ये दो कार्बन हो गए इसके, दो कार्बन यहाँ जुड़ेगा वही, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये कार्बन यहाँ आ जाएगा, ये कार्बन यहाँ जुड़ गया R, और इस तरह से जब इसको हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, इस कार्बन पे देखिए, इस कार्बन जिस पे अटैच है उस पे 2 R ग्रुप है, तो ये हो गया सेकेंडरी कार्बन। इसको आप इथाइल फॉर्मेट से भी कर सकते हैं, इथाइल फॉर्मेट से भी जब आप करेंगे तो इसके अंदर भी देखिए
सेम है, इसके अंदर इथाइल फॉर्मेट, इथाइल इसका नाम ये इथाइल है और ये फॉर्मेट है क्योंकि एक कार्बन है, फॉर्मेट फॉर्मिक एसिड होता है तो ये फॉर्मेट हो गया, इसके अंदर एक एच निकल गया। अब आर एम जी एक्स हमने कहा ये पोलर होता है भाई, ये निगेटिव है ये पॉजिटिव, तो ये निगेटिव पॉजिटिव, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, देखिए ये यहाँ पे आ जाएगा ये पॉजिटिव, तो ये अटैच हो गया। अटैच होने के बाद ये क्या बन जाता है, इसके आर सी एच ओ एम जी एक्स, जब इसको हाइड्रोलाइसिस करते हैं, जब इसको नेक्स्ट स्टेप के अंदर, तो ये हाइड्रोलाइसिस होके आर सी एच ओ ये और एम जी एक्स ओ सी टू एच ओ, जब इसको फिर अगर इसके अंदर आर एम जी एक्स किया जाए तो ये इसके अंदर एक आर ग्रुप और आ जाता है, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल बन जाता है। तो ये इस तरह से हमें सेकेंडरी अल्कोहल प्राप्त हुआ एस्टर से, कैसे, इथाइल फॉर्मेट से। अब अगर मानिए कि कीटोन है, सिंथेसिस ऑफ टर्शरी कीटोन्स, टर्शरी कीटोन्स देखिए ये टर्शरी है, ये कीटोन आर एम जी एक्स, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये यहाँ पर आर वन, तो इस तरह से जब इसको हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमें क्या टर्शरी अल्कोहल यानी 3 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होता है। तो देखिए एक चीज़ ये होगी कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, अब टर्शरी में एसीटोन से भी प्राप्त हो सकता है, एसीटोन हम रखें या इथाइल फॉर्मेट के जैसे फॉर्मेट के बाद अलग कोई दूसरा भी अगर चाहे तो कीटोन, एक कीटोन इससे दूसरा कीटोन भी यूज़ हो सकता है, ये है तो इससे भी हमें प्राप्त हो सकता है। देखिए ये हमारा एसीटोन है, अगर आर आर दोनों सी एस थ्री होंगे तो इससे भी हमारा टर्शरी अल्कोहल प्राप्त हो सकता है, यानी ये दोनों कार्बन आइटम अगर दोनों सेम होते हैं तो एसीटोन होता है, नहीं होता है तो ये अलग अलग ग्रुप हैं, तो ये अलग अलग कार्बन आर वन और आर टू, मतलब आर वन आर टू के बराबर नहीं होगा, ये नहीं है का मतलब है कि इक्वल नहीं होगा, तो इस तरह से कंपाउंड बन गए। ऑन द अदर हैंड टर्शरी अल्कोहल्स कैन कंटेनिंग ऑल द थ्री आइडेंटिकल अल्काइल ग्रुप्स सिंथेसाइज बाय रिएक्शन थ्री मोल्स ऑफ नाइट्रोजन विद डाइथाइल कार्बोनेट, डाइथाइल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करें तो हमें सिमिलर तीन आयन मिल सकते हैं, तो इस तरह से कह सकते हैं हम कि सिमिलर आइडेंटिकल अल्काइल ग्रुप्स है डाइथाइल कार्बोनेट, ये डाइथाइल कार्बोनेट है। इस कार्बोनेट को आर एम जी एक्स से यानी अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड से रिएक्ट करते हैं, तो ये आर थ्री सी ओ एम जी एक्स और ये एम जी ओ सी टू एच फाइव एक्स, जब इसे हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो आर थ्री सी ओ यानी तीनों सी ओ एच, ये तीनों आर ग्रुप इसमें समान है, इक्वल है, ये तीनों आर ग्रुप इसके अंदर समान है। अब एक है इंट्रा मोलिकुलर ग्रिगनार्ड सिंथेसिस ऑफ एल्कोहल, इंट्रा मोलिकुलर का मतलब क्या कहें, विद इन द मॉलिक्यूल, अलग अलग नहीं, इंट्रा मोलिकुलर यानी सेम मॉलिक्यूल के अंदर, कैसे हो, इन कार्बोनल ग्रुप द हेलोजन ग्रुप्स आर प्रॉपरली प्लेस, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टेक प्लेस इंट्रा मोलिकुलरी यील्डिंग एन एल्कोहल। देखिए ये एम जी एक्स टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन है, तो इसके अंदर इंट्रा मोलिकुलरली ये अरेंज होगा और इस अरेंज हो जाने से ये ग्रुप, देखिए आप ये दोनों ब्रोमीन और ये यहाँ सी एस थ्री, तो ये सी एस थ्री और दोनों और एक कंपाउंड हो जाएगा, तो इसे कह देंगे कि भाई ये इंट्रा मोलिक्यूल यानी विद इन मोलिक्यूल ग्रिगनार्ड सिंथेसिस ऑफ एल्कोहल। दूसरा प्लेनिंग ग्रिगनार्ड सिंथेसिस ऑफ एल्कोहल, सपोज ये एल्कोहल है हमारे पास, इस तरह का एल्कोहल है, सपोज वी प्रिपेयर्ड दिस एल्कोहल, ऐसे एल्कोहल हमें बनाना है तो क्या कैसे बनाएं भाई, इसको बनाने के लिए बेंजाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड और एसीटोन ये दोनों जुड़ेंगे और ये आर एम जी एक्स हट के जाएगा और ओ एम जी एक्स बन जाएगा, इसको हाइड्रोलाइसिस करके सी एस थ्री एम जी बी आर, सी एस थ्री एम जी बी आर, ये सी एस थ्री भी निकल जाएगा एक इसके अंदर से, तो ये मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बन गया और ये फिनाइल एसीटोन बन जाएगा, फिनाइल एसीटोन, तो इस तरह से भी ये बन गया। तो सेवरल रूट्स ऐसे सिंथेसिस के अल्कोहल के, हमें ये देखना है कि हमें स्टार्टिंग मटेरियल क्या चाहिए और हमें प्रोडक्ट क्या चाहिएगा। अब डायोल्स भी है इसके अंदर, देखिए डायल्स इलेक्ट्रॉन से, डायल्स और ये इलेक्ट्रॉन है, अल्फा इलेक्ट्रॉन भी बोल देते हैं, डायोल्स है इसके अंदर, तो इससे कैसे प्राप्त होगा, ये इलेक्ट्रॉन से, तो CH2CO CH2 CH3 MgBr, तो इस डायोन को यहाँ से ये टूट के OMgX बनेगा, OMgI, और ये CH3 है, देखिए इसके CO MgI, तो इस तरह से ये
अटैच हो जाएगी रिंग के अंदर, ये यहाँ से टूटेगा, और जब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे हाइड्रोलिसिस, तो इन दोनों पे ओ एम जी आई की जगह यहाँ पे क्या जाएगा, एच एच आ जाएगा, और एच आ के बन जाएगा 4-methyl-pentane-1,4-diol और एम जी आई ओ एच। तो इस तरह से डायोल्स बन जाएंगे। अब ये सिंथेसिस ऑफ थायो एल्कोहल्स है, एल्केन थायोल, थायोल यानी एच एच। तो थायोल कैसे बनेगा भाई, आर एम जी एक्स सल्फर एट यानी क्राउन सल्फर बोल देते हैं जो एस एट होता है, तो ये आर एस एम जी एक्स जब इसको हाइड्रोलिसिस करेंगे वाटर से तो आर एस एच और एम जी एक्स ओ एच बनेगा। तो इस तरह से थायो एल्कोहल, एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि भाई थायो एल्कोहल कैसे, तो रिएक्शन एक्शन विद सल्फर, सल्फर के साथ रिएक्ट करके थायोल बनाएगा। तो आज इस कक्षा में यहीं तक पढ़ेंगे, कल इसकी और रिएक्शन 7 से आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।